वीडियो को लाइक करें, पूरा देखें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें ताकि पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अपना एग्जांपल नंबर है 8, आठवां एग्जांपल है त्रिज्या 12 सेमी, 12 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा पर केंद्र यानी वृत्त की त्रिज्या दे रखी है। क्या दे रखी है? वृत्त की त्रिज्या दे रखी है, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या दे रखी है बराबर 12 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर दे रखी है। अब वृत्त का केंद्रीय कोण दे रखा है, जीवा के केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है यानी जीवा द्वारा बनाया गया कोण, जीवा द्वारा बनाया गया कोण, जीवा द्वारा बनाया गया कोण, बनाया गया कोण है 120 डिग्री का। हमें ज्ञात करना है लघु वृत्तखंड, वृत्तखंड का क्षेत्रफल यानी संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। संगत वृत्तखंड, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। इसको हम पहले चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखो एक वृत्त है, ये वृत्त है, इस वृत्त को हम दो भागों में यानी इस क्वेश्चन को हम दो पार्टों में लेके हल करेंगे। पहला पार्ट है यानी वृत्त की त्रिज्या दे रखी है, कितनी दे रखी है 12 सेंटीमीटर। मान लो ये वृत्त का केंद्र है, क्या है वृत्त का केंद्र है, इससे यहाँ तक ये वृत्त की त्रिज्या है, ये भी वृत्त की त्रिज्या है यानी दोनों ही 12 सेंटीमीटर है, क्योंकि त्रिज्या हमेशा क्या होती है बराबर होती है। अब यहाँ पर केंद्र जीवा द्वारा बनाया गया कोण है, जीवा द्वारा बनाया गया कोण है ये कितने डिग्री का है, 120 डिग्री का है यानी ये 120 डिग्री का है, कितने डिग्री का, 120 डिग्री का। तो हमें इस पूरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये इसको केंद्र को O मान लेते हैं, इस पूरे भाग का हमें क्षेत्रफल यहाँ से यहाँ तक ज्ञात करना है यानी O, यहाँ से इस पूरे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और उसके बाद में हम इसको दूसरे भाग में बांटेंगे, पहले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद में यहाँ हमें ज्ञात करना है केवल वृत्तखंड, वृत्तखंड ज्ञात करना है। तो यहाँ पर एक जीवा खींच देंगे यानी हमें मुख्य रूप से इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल या वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो पहले हम त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, इसको एक ओ ए बी दे दो, ये ओ ए और बी यानी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हम ज्ञात करते हैं, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। ये हो गया त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। इसको हम ज्ञात करेंगे तो पाई का मान इसमें दे रखा है, पाई का मान दे रखा है 3.14, यहाँ मैं लिख देता हूँ ऑब्लिक में, यानी पाई का मान इसमें दे रखा है 3.14 और दूर और दिया है अंडर रूट 3 का मान, अंडर रूट 3 का मान भी दिया है 1.73 दे रखा है। ये मान हमें पुट अप कर रहे हैं, तो देखो पाई का मान रखेंगे 3.14, कितना रखेंगे 3.14, तो इसको हल करते हैं, पाई का मान रख देते हैं 3.14 है, 3.14 है गुणा आर दे रखिए 12 सेंटीमीटर, यहाँ रखते हैं 12 गुणा आर स्क्वायर है तो आप 12 लिखते हैं गुणा थीटा का मान कितना दे रखा है 90 डिग्री, 120 डिग्री दे रखा है, यहाँ पर 120 है या कहते हैं कोण है वो 120 डिग्री है, तो यहाँ लिखते हैं 120 बटा 360। देखो 0 से 0 कैंसिल हो गई, 12 को 12 का भाग 36 में देते हैं कितनी बार जाएगा 3 बार, 3 का भाग देते हैं 12 में कितनी बार जाएगा 4 बार, हम गुणा करते हैं यानी यहाँ 12 बच गए यहाँ 4, 12 को 4 से गुणा किया कितने बच गए हो गए 48, 12 को 4 से गुणा किया 48 हो गए, 48 को 3.14 से गुणा करना है तो यहाँ 48 गुणा 3.14, 48 को 3.14 से गुणा करेंगे तो यहाँ गुणा कर लेते हैं 3.14 को 48 से 8 चौक 32, 32 को 2 3 8 1 8 9 10 11 11 5 11 का असल 1, 8 3 24 और 1 25 गुणा 4 चौक 16 छक्का असल 1 4 1 4 और 1 5 4 3 12 2 6 1 7 5
5 0 दो दो चार और एक 5 1 150.72 यानी इनको दोनों को गुणा करते तो हमारे पास उत्तर आ जाता है। इसका इस तिरछे खंड यानी पूरे भाग का क्षेत्र बनाया है तिरछे खंड का क्षेत्र कितना आ गया 150.72 150.72 वर्ग सेंटीमीटर यानी तिरछे खंड का क्षेत्रफल हमारे पास कितना आ गया 150.72 वर्ग सेंटीमीटर। ये तो हो गया तिरछे खंड का क्षेत्रफल। अब हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल करके और इस तिरछे खंड में से जब त्रिभुज का क्षेत्रफल को घटाएंगे तो हमारे पास जो बचेगा वो क्या बचेगा वर्गखंड बचेगा। तो हम यहाँ पर इस भाग को दो बराबर भागों में मानते हैं, इस पर लंब डाल देते हैं, यहाँ पर लंब डालते हैं OM यहाँ भाग है OM यानी मैं यहाँ पर OM लिखता हूँ, ये OM है, ये हो गया OAM MBOM। देखो त्रिभुज OAB से अब हम त्रिभुज का मान ज्ञात करेंगे, लेकिन त्रिभुज का मान यहाँ पर कोण कितना दे रखा है 120 डिग्री दे रखा है और 120 का मान नहीं होता, इसको हम दो बराबर भागों में बांट लेंगे यानी 60 डिग्री में बांट लेंगे। तो ये कोण भी 60 डिग्री का हो गया और ये कोण भी 60 डिग्री का हो गया। तो त्रिभुज OAB से त्रिभुज OAB से त्रिभुज OAB से OM लंबवत है, OM लंबवत है, OM लंबवत है AB के, OM लंबवत है AB के, OM लंबवत है AB के और AM बराबर AM बराबर है MB यानी AM और MB दोनों बराबर है। लेकिन हमें ज्ञात करना, देखो एक भुजा दे रखी है OA दे रखी है, हमें OM ज्ञात करनी है, हमें AM ज्ञात करनी है और हमें MB ज्ञात करनी है और फिर हमें AB ज्ञात करनी है। तो पहले हम दे रखा है तो कोण देखो, कोण AOM और कोण AOM बराबर, कोण AOM और कोण OBOM कोण BOM दोनों कितने डिग्री का है 60 डिग्री का, क्योंकि हमने इसे दो कोणों में मार दिया, पहले 120 का था, दो बराबर भागों में मारते हैं, इसके कितने का हो गया 60 डिग्री के हो गए, यानी कोण AOM और कोण BOM बराबर हो गए 60 डिग्री का। अब हमें यानी इस देखो भुजा OA दे रखी है, हमें AM OM ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करनी है OM, तो OM ज्ञात करते हैं, तो त्रिभुज OAB से यानी वापस लिख लेते हैं त्रिभुज OAB से OM ज्ञात करनी है, तो इसको ऊपर लिखते हैं OM बटा OM बटा हो जाएगी OA OM बटा OA, देखो OM बटा OA लाल बटा कक्का किस सूत्र से, यहां मैं लिख देता हूं लाल बटा कक्का, इस सूत्र से इसको हल करेंगे, यानी यहां पर ये हमें पता है कि यहां पर ये क्या है कोण है और कोण के सामने की भुजा क्या होती है लंब होती है, कोण के सामने की भुजा लंब होती है, यह आधार और ये कर्ण है, तो हमारे पास क्या हमें ज्ञात क्या कर रहे हैं ये आधार ज्ञात कर रहे हैं, तो आधार बटा कर्ण और आधार बटा कर्ण इसमें देखेंगे, आधार बटा कर्ण पहला है साइन और दूसरा है आधार बटा कर्ण कोश, तो कोश हो जाएगा तो OM बटा OA बराबर हो जाएगा कोश 60 डिग्री, कोश 60 डिग्री, तो OM हमें ज्ञात करना है, OM ज्ञात करना है, तो OM बराबर OA cos 60 डिग्री, ओ cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, तो यहां लिखते हैं OM OM बराबर OA OA का हमारे पास देर की कितनी देर की है 12 गुणा cos, cos 60 का मान होता है 1/2, cos 60 का मान कितना होता है 1/2, cos 60 का मान होता है 1/2, तो इसको 2 से काट देंगे तो यहां आ जाएगा हमारे पास OM बराबर 6 सेंटीमीटर, यानी ये OM जो भुजा है हमारे पास कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर। अब OM तो हमारे पास आ गई, लेकिन हमें अब निकालनी है AM, क्या निकालनी है AM, तो इसी त्रिभुज से हम निकालेंगे AM AM बटा OM AM बटा OM, देखो AM बटा OM निकालने के लिए हमारे पास OM तो दे रखी है नहीं, AM बटा OA OA AM बटा OA, तो हमारे पास OA तो ऑलरेडी है कितनी है 12, AM हमें ज्ञात करनी है, तो ये देखो अब इसको देखते हैं AM AM क्या यहाँ पर लंब है और ये कर्ण है, तो लंब बटा कर्ण इसमें देखो सूत्र में देखते हैं लंब बटा कर्ण पहला मान लिया, पहला मान लंब बटा कर्ण क्या है साइन थीटा, तो यहाँ लिखते हैं
साइन थीटा, क्या लिखेंगे साइन थीटा, साइन थीटा, तो हमें ज्ञात करनी है ए एम, तो ए एम, ए एम बराबर हो जाएगा ओ ए साइन, साइन कितने डिग्री है 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री, तो हमें ए एम याद करनी है, ए एम बराबर है ओ ए, ओ एम में देर की कितनी देर की है 12 गुणा साइन 60 का मान होता है अंडर रूट 3/2, साइन 60 का मान होता है अंडर रूट 3/2, तो इसको गुणा काट देंगे, दो का भाग देंगे तो यहाँ आ जाएगा 6, तो हमारे पास ए एम बराबर आ जाएगी 6 अंडर रूट 3। हमने यहाँ लिखा है, क्या लिखा है कि ए एम और एम बी दोनों बराबर है, जितनी ए एम है उतनी है एम बी, ये दोनों बराबर है, तो ए एम 6 अंडर रूट 3 है, तो एम बी भी क्या हो जाएगी 6 अंडर रूट 3 हो जाएगी, तो हम लिख लेते हैं ए बी, ए बी बराबर हो जाएगी ए एम प्लस बी एम या एम बी, तो यहाँ 6 अंडर रूट 3 प्लस 6 अंडर रूट 3 दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगी 12 अंडर रूट 3, यानी 12 अंडर रूट 3 आ गया, किसका मान आ गया ए बी का। तो अब हम त्रिभुज को ए बी का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, क्योंकि हमारे पास आधार भी आ गया और लंब भी आ गया, आधार ए बी आ गया, लंब ओ एम आ गया, तो हम निकालते हैं त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, ए ओ बी का क्षेत्रफल, ए ओ बी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा ओ एम, आधार आधार लिख लो ए बी, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार, आधार इसका क्या है ए बी, ए बी गुणा ऊंचाई, ऊंचाई है ओ एम, ओ एम, तो इसको हल करते हैं तो 1/2 गुणा आधार कितना दे रखा है ए बी, ए बी हमारे पास आया 12 अंडर रूट 3, कितना है 12 अंडर रूट 3, 12 अंडर रूट 3 है, 12 अंडर रूट 3 आधार आ गया, ऊंचाई दे हमने निकाली यहाँ पर, ऊंचाई कितनी आई है 6 सेंटीमीटर, 6, तो देखो इसको काट दो, वापस काटोगे तो 2 का भाग दे दो इसमें 6 में, तो यहाँ आ गया 3, 12 को 3 से गुणा कर लो, बार दिया 36, यहाँ आ गई 36 अंडर रूट 3, तो यानी त्रिभुज 36 अंडर रूट 3 वर्ग सेमी, ये किसका आ गया क्षेत्रफल, ये आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल आ गया त्रिभुज का, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया 36 अंडर रूट 3। अब हम अंडर रूट 3 का मान हमें दे रखा है, कितना दे रखा है तो इसको आगे हल करते हैं, 36 अंडर रूट 3, तो इसको आगे थोड़ा हल करके लिख लेते हैं, तो 36 अंडर रूट 3 बराबर 36 गुणा अंडर रूट 3 का मान दे रखा है 1.73, इसको गुणा कर लेते हैं, यहाँ कर लेता हूँ मैं 1.73 और 36 से गुणा करते हैं 6×18, तो 1 7 6 4 6 4 10 × 3 3 9 7 21 का 61 2 3 2 5 8 9 2 2 6 62.28, यानी इसको हल करते हैं तो हमारे पास मान आ गया 62.28 वर्ग सेमी, ये 62.28 वर्ग सेंटीमीटर मान है, उसका है त्रिभुज का मान है, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। अब हमें मान चाहिए किसका, वृत्तखंड का चाहिए, और वृत्तखंड का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटाएंगे तो हमारे पास जो मान आएगा वो आएगा वृत्तखंड का मान आएगा, तो हमें निकालना है वृत्तखंड का मान, वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस क्या कर देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, माइनस त्रिभुज, त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी त्रिज्य वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल में से हम त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटाएंगे तो हमारे पास जो मान आएगा इस छायांकित भाग का या संगत वृत्तखंड का, या वृत्तखंड कह सकते हैं, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, देखो वृत्तखंड हमने निकाला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यहाँ देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अपने पास है 150.72 आया है,
वर्ग सेंटीमीटर 150.72 माइनस, ये तो हो गया इस त्रिज्य खंड का, यानी पूरे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आया है। किसका आया है? पूरे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आया। अब हमें निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने निकाला 62.28, तो इसको क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो 62.28 वर्ग घटाते हैं, तो इसको घटाएंगे तो हमारे पास मान आएगा, वो आ जाएगा इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल, या कह सकते हैं कि वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो इसको घटा देते हैं यहाँ पर 150.72628, 12 में से हट गए 4, यहाँ 6 में से दोगे 4.10 में से, यहाँ 10 में से दोगे 8, यहाँ बचे 4, 14 में से 8, 88.44, यानी जो इस का क्षेत्रफल आएगा वो आएगा 88.44 वर्ग सेंटीमीटर। कितना आएगा? 88.44। किसका आएगा? इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल या वृत्तखंड का क्षेत्रफल कह सकते हैं। इसका जो आएगा क्षेत्रफल वो आ जाएगा 88.44 वर्ग सेंटीमीटर।